अल्ट्रा वजीटो की पिछली वीडियो में वजीटो पिरामिड से बाहर आता है और लाइट से लड़ता है, जिसके एंड में वो लाइट और मकोटो की एनर्जी भी ले लेता है। अब अल्ट्रा वजीटो जैनो से लड़ने के लिए तैयार है। ये मांगा कॉल मी आज ने बनाई है, पूरी मांगा देखने इस चैनल पर जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। तो हमारी स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जब सारे फाइटर्स खड़े होते हैं। गोजीटा, यामोशी, वजीटा, ब्रॉली और गोकू भी पांचों वजीटो को देख रहे होते हैं। इतने सीरियस क्यों हो गए? और वजीटो सबको देखकर बोलता है, तुम सबको खुश होना चाहिए, हम ऐसी लड़ाई नहीं लड़ेंगे जिसमें तुम मरोगे। यही मोमेंट है जिसके लिए तुम लोग तैयारी कर रहे थे, हम सब तैयारी कर रहे थे। वक्त आ चुका है गॉड्स को खत्म करने का। मुझे लगता है कि तुम कुछ भूल रहे हो वजीटो। वहीं वजीटा बोलता है, गॉड्स को मारना ही हमारा एक गोल नहीं है, हमें बुलमा और सारे अर्थलिंग्स को वापस लाना है। याद रखो कि ये हमारा आखिरी मौका होगा, कोई टाइम रिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं। तुमने डार्क को मार दिया, लेकिन जेनो प्रीस्ट और गार्ड, क्या तुम्हें यकीन है हम ये कर सकते हैं? कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास और भी टाइम है। जिसको सुनकर गोगो बोलता है, वो सही है, ऐसा नहीं है कि हमें तुम पर भरोसा नहीं है या हमारी प्रोग्रेस पर जेनो ने एक यूनिवर्स को कुछ ही सेकंड में इरेज कर दिया था। अगर वो हमें रोकना चाहता तो वो और भी ज़्यादा फाइटर्स भेजता। मुझे याद है जब मैंने सेल के लिए काफ़ी ट्रेनिंग नहीं की, शायद इस बारी सेफ रहना ज़्यादा सही होगा। बिल्कुल बेकार हो। लेकिन वजीटो ये सुनकर बोलता है, कितना गिर गए हो सन गोकू, तुम्हें अपने छोटे बच्चे पर यकीन था पर मेरे जैसे मॉन्स्टर पर नहीं। शायद तुम्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए, लेकिन तुम वो मुझ पर छोड़ सकते हो सयन, मेरे पास काफ़ी पावर है। पर गोजीटा वजीटो को सुनकर गोकू और वजीटो से पूछता है, वजीटो ऐसे क्यों बात कर रहा है? ये अजीब है, वो तुम्हें सयन बोल रहा है जैसे वो खुद एक नहीं है, क्या ये नॉर्मल है? मुझे नहीं पता तुम्हारा यूनिवर्स कैसे काम करता है। पर ब्रॉली बोलता है, नहीं वजीटो नॉर्मली ऐसे बात नहीं करता, बल्कि कोई और बोल रहा है। ये तो साफ है किसी ने उसको जकड़ लिया है और वो लूसिफ हो सकता है। क्या? जिसको सुनकर गोकू, यामोशी और वजीटा तीनों शौक होते हैं और गोकू बोलता है, लूसिफ? एक मिनट। और यामोशी बोलता है, क्या सीरियस है? इसलिए उसकी आंखें लाल हो रही हैं, मैंने देखा भी नहीं। वहीं वजीटा बोलता है, वजीटो तुमने नहीं। पर जब सबको लगता है वजीटो लूसिफ बन गया है, उसके सर में दर्द होने लग जाता है और वो बोलता है, मेरा सर अब क्या। लेकिन वो दर्द चला जाता है और वजीटो बोलता है, क्या क्या हुआ, वो कौन था? तभी उसकी आईज नॉर्मल हो जाती हैं और वो बोलता है, लूसिफ तुम पागल हो गए, अगर तुम्हें लगता है मैं उस बदसूरत मॉन्स्टर को कंट्रोल दूंगा, शायद मेरी जबान फिसल गई होगी। भूल गए मैं फ्रीजा के साथ कितना टाइम बिताया है और ब्लैक के साथ भी। ये मैं ही हूँ जोकरो, पर बकवास बंद करो। क्या करोट सिर्फ खड़े क्यों हो? जीरन और हिट मरने वाले हैं, वो तुम्हारे दोस्त हैं ना, जल्दी उन्हें अपनी सेरेफेम की शक्ति से हील कर दो, मुझे ज़्यादा एनर्जी स्टैंड नहीं हो रही है उनसे। और गोकू चिल्लाता है, सही बोला वजीटो, मैं तो भूल ही गया। और वो गायब हो जाता है, जिसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाता है और जीरन और हिट भी उनके साथ होते हैं और जीरन बोलता है, मैं तुम्हें ना थैंक्स कहूँगा या ब्लेम करूँगा जिंदा होने के लिए, वक्त बदल चुका है और मैं देख सकता हूँ कि तुम बदल गए हो, पर लगता है कि वो भी इस बदले को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, पर जो भी हो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा और तुम्हें मुझे मारना होगा मुझे एब्जॉर्ब करने के लिए। जिसको सुनकर वजीटो बिना कुछ बोले जीरन के पास जाता है और, कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉन्स्टर, जितनी पावर तुम्हारी मदद करेगी मेरे पास पहले ही उससे ज़्यादा है, अगर मैं इस तरह उन्हें नहीं हरा सकता
तो तुम्हारे मिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम जाकर ट्रेनिंग करो ताकि हम अपना रीमैच वापस कर सकें और इस दफा कोई ट्रिक्स नहीं होंगी। वही जीरन जवाब देता है, जरूर सुन, मेरा मतलब वजीटो। और वजीटो हिट की तरफ देखकर बोलता है, तुम भी हिट, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे बिना फोर्थ हमें ख़त्म करने का इंतज़ार नहीं करता। मुझे पता है, मैंने बोला था टाइमिंग्स ले लो और मुझे दिखाना कि उससे क्या क्या हो सकता है जो कि तुम्हारे लिए नेचुरल होगा, लेकिन मुझे उस रीमैच के लिए भी इंतज़ार करना होगा। जब मैं वापस आऊँगा तो ज़रूर सब सीख जाऊँगा। पर वजीटो की बात सुनकर हिट कुछ नहीं बोलता और वजीटो से हाथ मिलाता है। हाँ? जिसको देखकर वजीटो भी शॉक होता है। तभी हिट पीछे मुड़ता है जब तक वो हवा की तरफ चला जाता है। वहीं गोजीटा ये देखकर बोलता है, वो बंदा कौन था? वो थोड़ा सेल की तरह दिख रहा था। जो भी हो, अच्छा है कि वो हमारी टाइमलाइन में नहीं है, मजा खराब कर दिया। वहीं वजीटो बोलता है, नहीं तुम खुश हो जाओगे उसके जैसे ऑर्डर के साथ, उसने हमें एक और मौका दे दिया और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जितना तुम्हें लगता है। शुक्रिया हिट। जी, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन ये देखकर वजीटा गुस्से में बोलता है, तुम क्या खेल रहे हो वजीटो? तुमने मल्टीवर्स के दो स्ट्रांगेस्ट वॉरियर्स को ऐसे ही जाने दे दिया। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, पर अब तो तुम फालतू के रिस्क ले रहे हो। जो करना है करो, अगर अभी जैन और पीस के पास जाना है तो जल्दी करो और हम सबको अभी अब्सॉर्ब कर लो। रिलैक्स हो जाओ प्रिंस। लेकिन वजीटो कुछ और बोलता है, सब कुछ हो जाएगा प्रिंस, उन दोनों को छोड़ दो। भूल गए, हमारे पास एक और वॉरियर भी है जिसने इन दोनों को आसानी से हरा दिया था। वो है हमारा प्राइज जिसको मैं पिछले 20 साल से बढ़ा रहा हूँ। हाँ? तभी गॉड किलर माँ से गायब हो जाता है। वहीं एक वॉरियर स्पेस से जा रहा होता है। तभी हमें दिखता है कि वो वॉरियर फ्रीजा है और वो बोलता है, मेरे लिए कितना परफेक्ट है। वहीं वो बंदर फिफ्थ से मर रहे हैं, मैं जाकर अपनी आर्मी बनाकर ट्रेनिंग करके इस बिना गॉड के यूनिवर्स पर राज करूंगा। और सबसे अच्छी बात कि कोई और मंकी मेरे पास नहीं आ सकता। क्या? तभी फ्रीजा शॉक हो जाता है जब वजीटो उसके सामने आ जाता है और बोलता है, वेल हम फिर मिले फ्रीजा, लगता है हमने बात नहीं की पिरामिड ऑफ पावर से। बताओगे तुम्हें लगता क्या है तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ तुम। वहीं फ्रीजा डर में बोलता है, कैसे ये कैसे हो सकता है? तुम सबको मरा हुआ होना चाहिए। वो मॉन्स्टर डार्क, ये मत बोलना तुमने उसको भी हरा दिया। नामुमकिन। नामुमकिन? हाँ। वहीं वजीटो जवाब देता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन है, वो बच्चा मर गया है और मैंने उसे बिना कुछ के मार दिया, ट्रांसफॉर्मेशन के बिना ही, ना कि तुम्हारे जैसे कमजोर की तरह। नहीं। तभी फ्रीजा गुस्सा होता है जब तक, या मैं तुमसे थक गया हूँ। वहीं वजीटो बोलता है, तो ये है तुम्हारी नई फॉर्म, ज़्यादा खास नहीं है, जैसे मैंने इसको पहले भी कहीं देखा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुमने इसको पहले देखा है। और तभी वजीटो अपनी सेल टेल निकालता है। वजीटो अपनी सेल टेल सीधा फ्रीजा को मार देता है। क्यों? तभी फ्रीजा मरते हुए बोलता है, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? 20 साल गुजारे हमने, तुम मेरी फैमिली जैसे थे, हमारा प्लान था हम साथ में जीतेंगे, प्लीज मुझे छोड़ दो। सिर्फ 10 साल, सिर्फ 5 दिन के लिए और मैं और ताकतवर बन जाऊंगा, तुम्हारे लेवल पर अभी पहुंच जाऊंगा। लेकिन तभी वजीटो फ्रीजा के पास आता है और हाँ? तभी वजीटो बोलता है, हमेशा यही पुरानी कहानी सुनाते हो फ्रीजा, नैमिक की तरह, तुम जितना नीचे जा सकते हो उतना जाओगे जिंदा बचने के लिए। सच ये है फ्रीजा, तुम कमज़ोर हो पर बेवकूफ़ नहीं, तुम्हें पता था हम कितने स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन शायद तुमने अपनी फॉर्म को
कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया है और सोचा कि तुम मुझसे भाग सकते हो, पर मुझे डर है कि इस लेवल पर तुम 10,000 साल भी ट्रेनिंग कर लो कभी नहीं पहुंच पाओगे। गुड बाय, और निकल जाओ यहाँ से फ्रीजा, और मेरी फाइनल फॉर्म का हिस्सा भी बन जाओ। हाँ नहीं, तभी वेजिटो अपनी टेल फ्रीजा पर लगा देता है। रुक जाओ प्लीज, मैं मदद कर सकता हूँ पक्का। और फ्रीजा मरते मरते बस चल जाता है जब तक नहीं, तभी फ्रीजा एब्जॉर्ब होने लग जाता है। वहीं वेजिटो बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रीजा, अब तुम भी एक बंदर बन गए हो। तभी वेजिटो वापस आकर बोलता है, ये लो तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाया हूँ, तुम इसको एक शर्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, तभी फ्रीजा की डेड बॉडी नीचे गिर जाती है। फ्रीजा, जिसको देखकर प्रिंस वेजिटो भी शॉक हो जाता है। यू वेजिटो, उसको छोड़ दो, शुरू करने का टाइम है, मेरे अंदर वापस आने का टाइम। तभी सारे सेंस वेजिटो की बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जब तक वेजिटो बोलता है, बढ़िया बॉयज, इसलिए हम ट्रेनिंग कर रहे थे, इससे बनेगी हमारी ट्रू फाइनल फॉर्म, ग्रैंड पीस को मारने के लिए, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। और इसी तरह ब्रॉली गायब होने लगता है और उसकी बॉडी पिंक कलर की हो जाती है, जब तक वो बोलता है, जब ये ख़त्म हो जाएगा, चीला है लीमो, तुम दोनों हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाओगे। तभी वो वेजिटो की बॉडी में वापस चला जाता है और वेजिटो बोलता है, लेजेंडरी एंजल ऑफ डिस्ट्रक्शन ब्रॉली, शुक्रिया। और अगला होता है यामोशी, जो बोलता है, यंग सेयन, मैं समझ गया हूँ तुम क्या चाहते हो, मेरी पावर जितनी इस्तेमाल करनी है कर लो, लेकिन सेंस की नाम की इज्जत गिरनी नहीं चाहिए। और साथ में यामोशी और ब्लैक भी वेजिटो की बॉडी में चले जाते हैं। वहीं वेजिटो बोलता है, फिकर मत करो यामोशी, मैं सेंस का नाम और नहीं बिगाड़ूंगा जितना मैंने पहले ही बिगाड़ दिया है। है ना ब्लैक, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरे अंदर जाकर। वहीं गोजिटो ये देखकर बोलता है, तो वक्त आ चुका है, मैं इतने टाइम से सिर्फ तुम्हारे लिए ट्रेनिंग कर रहा था, मेरा दूसरा वर्जन जो इंसाफ के लिए लड़ता है, चाहे वो मेरी टाइमलाइन हो या दूसरी, मैं हमेशा अपनी फैमिली को बचाऊंगा, तुम्हें पता है ना वेजिटो। और गोजिटा वेजिटो के पास आने लगता है और वो बोलता है, तो इसी तरह सिखाया था ना तुमने, अपना हाथ इधर रखो ना। और वहीं वेजिटो जवाब देता है, हाँ वहीं रहो और मेरी एनर्जी तुम्हें भूख के मटेरियल में बदल देगी। वहीं गोजिटा अपने आखिरी वर्ड्स बोलता है, ठीक है ये टेम्परेरी होना चाहिए, ये लड़ाई लड़ो और सबको आज़ाद कर दो, मुझे तुम पर भरोसा है वेजिटो। और इसी तरह गोजिटा की बॉडी भी वेजिटो के अंदर चली जाती है और वो बोलता है, तुम ज़्यादा फिक्र करते हो, तुम्हारी पावर्स के साथ ये बहुत आसान होगा। तभी गोकू और वेजिटो ही बचे होते हैं। वहीं गोकू सोचता है, ठीक है मैं खुली हवा को मिस करूंगा, बहुत मजा आया बाहर रहकर। वहीं वेजिटो बोलता है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता जब मुझे कैकरॉट के साथ फ्यूज होना पड़ता है, चलो इसको जल्दी खत्म करो। लेकिन तभी दोनों सेंस वहीं खड़े होते हैं। हाँ क्या, और गोकू पूछता है, एक मिनट हम अभी बाहर हैं, क्या चल रहा है वेजिटा। वहीं वेजिटा बोलता है, क्या हो गया, हमें भी वापस क्यों नहीं भेज रहे। क्या तुम्हें दिख रहा नहीं है, वहीं वेजिटो ब्लैक और रेड लाइटिंग में कवर होता है और वो बोलता है, ऐसी ताकत के साथ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे तुम्हारे लिए और कोई काम है, बस थोड़ा इंतज़ार कर लो। हमसे काम, और गोकू बस सोचने लगता है कि वेजिटो का क्या मतलब है। पर तभी वेजिटो चिल्लाता है और उसकी खतरनाक पावर हर जगह जा रही होती है, ब्लैक और रेड लाइटनिंग उसके पास होती है। कैकरॉट वो क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता। भाई दोनों गोकू और वेजिटा बस ये देख रहे होते हैं, और वेजिटो की एनर्जी प्लैनेट के बाहर भी दिख रही होती है जब तक वो पूरा प्लैनेट एक्सप्लोड हो जाता है। भाई गोकू और वेजिटा भी उस एक्सप्लोजन में आ जाते हैं और वेजिटा बोलता है, वो बेवकूफ़ वो हमें मार देगा,
खड़े रहो जब तक आखिर में सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ, मैंने फिर से किया ये। वेजिटा, क्या तुम ठीक हो? और गोकू खड़ा होता है अपनी सेरेफिम एनर्जी से कवर्ड। मैं फिर से बच गया। वही वेजिटा भी शॉक होता है। तभी वेजिटो खड़े होकर बोलता है, उसके लिए माफ कर देना। कहाँ थे हम? ओ हाँ, क्यों मैं तुम दोनों को एब्जॉर्ब नहीं किया। तभी वेजिटो अपनी रेड आइज के साथ बोलता है, उसकी वजह ऑब्वियस है, लेकिन दो हैं। पहली ये कि पीस को तुम्हारी पावर्स के बिना ही हरा सकता हूँ। इतने घमंडी? और वेजिटा बोलता है, उसको कमज़ोर समझने की गलती मत करना, वो 5 के भी ऊपर है, हमें नहीं पता वो कितना स्ट्रांग है। और मुझे पता है। लेकिन वेजिटो बीच में बोलता है, दूसरी वजह यह है कि तुम भूल गए हो कि प्रीस्ट अकेला नहीं होगा। मुझे यकीन है कि ज़ेनो बस दूर से देखेगा हमेशा की तरह, लेकिन जी और उसका भाई खुशी से साइड में नहीं खड़े होंगे। आखिरी बार मुझे याद है, जी तब भी अपनी पावर छुपा रहा था। अकेले मैं उसको हरा लूँगा, लेकिन उसके साथ ग्रैंड प्रीस्ट से भी लड़ना एक बहुत बड़ा रिस्क है। तुम और सन गोकू उनसे लड़ोगे, वही मैं बॉस पर जाऊँगा। और जब तुम दोनों जीत जाओगे तब तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो और मेरी हेल्प कर सकते हो। ओह यह, अब ये होता है एक प्लान। और यही सुनकर गोकू एक्साइटेड होकर बोलता है, मैं हमेशा से उनसे लड़ना चाहता था, प्लस मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी सेरेफिम और जी की सेरेफिम में कितना फ़र्क है। बेकार। वही वेजिटा बोलता है, ठीक है, अगर तुम जिंदा बच गए तभी हम ज्वाइन करेंगे। अच्छे, अब चलो। और इसी तरह वेजिटो 20 की स्टाफ लेकर गोकू और वेजिटो के पीछे आ जाता है और बोलता है, तैयार हो? और गोकू जवाब देता है, जितना भी तैयार हो सकते हैं। वहीं वेजिटा बोलता है, जल्दी करो। तभी वेजिटो उन दोनों को लेकर चला जाता है फाइनल बॉस के पास। और हम ज़ेनो के पैलेस को देखते हैं जहाँ वेजिटो लैंड होता है। और वो सब साथ होते हैं। लेकिन वो आसपास देखते हैं तो कुछ नहीं होता। और वेजिटो बोलता है, वो किधर चले गए? उनको हमारा पता होगा। क्या वो सच में भाग गए? ज़रूर नहीं। वाओ, वो आ गए। तभी एक बच्चे की आवाज़ पीछे से आती है। हाँ? और गोकू बोलता है, वो ज़ेनी है, सब तैयार हो जाओ। वाओ। और हम ज़ेनो को देखते हैं और ज़ेनो बोलता है, सन गोकू तुम आ गए आखिरकार, और तुम भी वेजिटो तुम कितने कूल हो। पर वेजिटो बस बोलता है, हाँ ज़ेनो, मैं वापस आ गया, पर मैं तुम्हारी और सबकी लाशों के लिए आया हूँ। क्या, तुम्हारी इतनी हिम्मत? और दोनों गार्ड्स गुस्सा हो जाते हैं। पर वहीं पीस्ट बोलता है, जो बोलना है बोल लो गॉड किलर, पर मैं भी इसी का इंतजार कर रहा था, जब ये बेकार गेम खत्म हो। जी एस, तैयार हो जाओ, ये सैन वो नहीं है जो हमने पहले देखा था। वही वेजिटो बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन हमेशा की तरह कितने प्रिडिक्टेबल हो। मुझे पता था तुम सब साथ में आओगे, पर वो तंग नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों क्लाउंस भी हैं। 3-3, देखते हैं कौन जीतता है। पर प्रीस्ट हंसते हुए बोलता है, 3-3, ऐसा नहीं है गॉड किलर, तुमने बहुत सारी टाइमलाइंस खराब कर दी हैं बिना किसी पछतावे के, पर अब तुम अपनी आंखों से देखोगे कि तुमने क्या किया है। तभी एक पोर्टल खुलती है जिससे कोई बाहर आता है। तुम कीमत चुकाओगे। और वो गॉड गोकू होता है और वो बोलता है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है वेजिटो, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो गाइस आज से बस इतना ही। अगर तुमने यहाँ तक देख लिया है तो नीचे कमेंट कर दो #GodGoku। इस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट जल्दी से देखने के लिए मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।